अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे रेस्टोरेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। रेस्टोरेंट्स, 10th क्लास उर्दू के गेस्ट जो है मुकम्मल मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था 2-1 मंथ पहले, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो अब जो है जैसे आपके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उस हिसाब से जो है मैंने गेस्ट पेपर हर क्वेश्चन का अलग अलग जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो पहले जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 हिस्सा नज़म जो है अलिफ पार्ट जो होता है वो मैंने शेयर किया है। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका जो बे पार्ट होता है, अहम तरीन गज़लें जो हैं, अशार जो होते हैं, वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस तरह इससे अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन और पूरा गेस्ट पेपर जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिस तरह पेपर आता है। तो अहम तरीन गज़लें जो हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गज़ल जो है वो जिगर मुराद आबादे की आदमी आदमी से मिलता है, ये सबसे ज़्यादा अहम है, इसमें से ज़्यादातर शेर इसी में से लाजमी आता है। दूसरे नंबर पर जो है वो हसरत मुहाने की मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई। तीसरे नंबर पर फराग गोरखपुरी की सर में सौदा भी नहीं। और चौथे नंबर पर अदा जाफ़ी की ये फ़ख्र तो हासिल है। तो ये चार गज़लें जो हैं तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। अब जो है हम तमाम गज़लों के जो हैं इम्पोर्टेंट जो अशार हैं जिनकी तशरीह करनी होती है, 3 दिए हुए होते हैं, 2 की तशरीह करनी होती है, तो वो अशार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई हसरत मुहाने की तरतीब के लिहाज से जो पहली नज़म है, इम्पोर्टेंट जो नज़में थी वो मैंने पहले बता दी हैं, तो वो तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट थी। ये बुक की तरतीब के लिहाज से जो है इसमें सारे शेर ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन 2 जो हैं वो बहुत अहम हैं, उनको आगे मैंने मैंशन किया हुआ है। तो ये शेर जो है जहाँ से शुरू हो रहा है मुसीबत भी राहत से और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है रहनुमा हो गई, तो यहाँ इस तरह जो है मैंने शेरों के शेर जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपने इसी तरह जो इनको सामने रखने हैं। ये वो रास्ता है से लेकर सबा हो गई बहुत अहम है, मैं दरमांदा से लेकर ख़ता हो गई अहम है, तेरे रुतबदान से लेकर क्या हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो 4 में से 2 अहम, 2 बहुत ज़्यादा अहम। उसके बाद नेक्स्ट नज़म आदमी आदमी से मिलता है जो कि तरतीब के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला भूल जाता हूँ से लेकर सादगी से मिलता है बहुत ज़्यादा अहम है, आज क्या बात है से लेकर हंसी से मिलता है अहम है, मिलकर भी जो ना मिले से लेकर इसी से मिलता है बहुत अहम है, आदमी आदमी से मिलता है तो ये जो है अहम है। मतलब 4 शेर दिए हुए हैं, इसमें भी 2 बहुत अहम है और 2 अहम है। उसके बाद फराग गोरखपुरी की गज़ल, सर में सौदा भी से लेकर भरोसा भी नहीं, बहुत ज़्यादा अहम है, और एक मुद्दत से तेरी और आज गफलत भी इनसे लेकर बीमार शिकीबा भी नहीं, यूं तो हंगामे से लेकर ठिकाना भी नहीं। तो 4 शेर हैं जिनमें से 3 अहम हैं और 1 जो है वो बहुत बहुत अहम है। उसके बाद अदा जाफरी की ये फ़ख्र तो हासिल है, इसमें भी 4 शेर हैं, 2 अहम हैं और 2 बहुत अहम हैं। जलना तो चिरागों के मुकद्दर में था, बहुत अहम है, थे कितने सितारे जो झील गए और एक शम्मा बुझाई से लेकर 4 चले हैं, तो बहुत अहम है। 4 शेर, 2 अहम और 2 बहुत ज़्यादा अहम। और उसके बाद लास्ट में नसीर बशीर की गज़ल है, दरिया में तुगयानी है, मंजर पर पहुँचेंगे एक दिन, तो ये 2 शेर जो हैं अहम हैं। तो डेयर स्टूडेंट्स, इससे पहले गज़लों के इम्पोर्टेंट जो अशार थे वो मैं शेयर कर चुका हूँ। मुकम्मल गेस्ट पेपर, पेपर पैटर्न, पेपर अटैम्प्ट किस तरह करना है उर्दू का, मतलब अच्छा सा, तो सारा कुछ मैंने जो है वो शेयर किया हुआ है। तो जो चीज़ आपने सर्च करनी हो तो आप जो है वो 10th क्लास उर्दू गेस्ट बाय HBSA एजुकेशन लिख कर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको सामने जो है वो टैब नज़र आ जाएगा, जहाँ से आप लोग जो है वो देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।